इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों से खबर है एनसीपी शरद गुट के खाते में 84 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगी 100 सीट, कांग्रेस भी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों से बड़ी खबर, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट बराबर सीटों पर लड़ेंगी। हालांकि शिवसेना गुट का परफॉर्मेंस जो था, प्रदर्शन जो था, वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में कहीं ज्यादा पीछे था। कांग्रेस लगभग 13 लोकसभा सीटें जीतकर आई थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियां जो हैं वो बराबर सीटों पर लड़ेंगी, ऐसी सहमति बन गई है। और 4 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों को दी जाएंगी। इसमें देखना है कि बाकी जो 4 सीटें वो किन पार्टियों के लिए है। लेकिन शरद पवार गुट के लिए 84 सीटें और 100 सीटें शिवसेना उद्धव गुट, 100 सीट कांग्रेस के लिए यहां तय की गई है। कुल 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। इस साल लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर दिखा, जहां विकास अघाड़ी ने लीड ली और अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों ही गठबंधन। एक तरफ है महायुति, जिसमें दरअसल बीजेपी लीडिंग पार्टनर है, और अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट एक तरफ महायुति में, और दूसरी तरफ जो है महाविकास अघाड़ी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से इंडिया ब्लॉक का नाम दिया गया। विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और इसके लिए फॉर्मूला रखा गया है 100-100-84। 288 सीटों में से 100 सीटें जो हैं वो शिवसेना उद्धव गुट को मिलेंगी और 100 सीटें कांग्रेस भी लड़ेगी। यानी दोनों बड़े दल जो हैं वो बराबर सीटों पर लड़ेंगे और शरद पवार गुट को लगभग 84 सीटें दी गई हैं। बाकी बची 4 सीट जो रीजनल पार्टीज जो हैं, जो छोटी दल हैं, वो उनको दिए जाएंगे। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अदिति, ये फॉर्मूला तय किया गया है और जो 4 सीटें वो किन पार्टीज के लिए हैं, रीजनल पार्टीज के लिए? और सबसे अहम सवाल, क्या मुख्यमंत्री फेस को लेकर भी कोई बातचीत हुई है इस बैठक में, इस तस्वीर के सामने आने के बाद? देखिए, दरअसल अपनी गलतियों से सीखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में अलायंस ना होना, फिर कांग्रेस के अंदर खुद खींचतान होना हरियाणा में, जो ग्राफ बहुत जबरदस्त था वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, इन तमाम बातों को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और उस दौर के बीच में ये कहा गया कि सबसे ज्यादा किरकिरी तब होती है अगर महाराष्ट्र में फॉर्मूले को लेकर बाद में कोई आनाकानी होती है। और इस बात को कमान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सभी इंडिया गठबंधन के दल, खासतौर पर जो हम बात करें महाराष्ट्र का, जिनके हम अलायंस की खबरों की बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, ऐसे में ये पहले ही कह दिया गया था कि देखिए अगर हम साथ नहीं है तो फिर जिस तरह से अलायंस की बात है कि हम एक रहेंगे तो हम रहेंगे, इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर अपनी मंशाएं सब बता दें। और उसको बाद सबने अपने अपने आंकड़े कहीं ना कहीं एक दूसरे से शेयर किए और अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि अभी प्रत्याशी पार्टी अपने लिहाज से तय कर रहा है, लेकिन सबसे पहले किस सीट से किसको कौन लड़ेगा चुनाव, उसको लेकर लगभग पूरा फॉर्मूला तय कर लिया गया है। लेकिन क्या रहती है, और माना जाए कि एक और राज्य में कांग्रेस कुर्बानी दे रही है, क्योंकि लोकसभा सीटों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, ज्यादा सीटें थी शिवसेना से, लेकिन विधानसभा में दोनों दल बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसको कुर्बानी भी मान लीजिए और इसको इस तरह की मूव भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सीधी फाइट भी कई जगह दिख रही है। उस जगह पर ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया जाए और तमाम तरीके की चर्चाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। क्योंकि आपने देखिए जहां पर वो कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में किस तरह से स्थितियां हुई, तो कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम लगा रहा है और महाराष्ट्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए सब कुछ पूछ के आपस में बातचीत करके तय किया गया। तमाम जानकारी के लिए, समीकरण समझाने के लिए शुक्रिया आपका।